आपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, सभी टेस्ट का रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर कहता है आपको कुछ भी नहीं है और आपको लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो समझो आप अनिद्रा, डिप्रेशन व तनाव से ग्रसित हैं। मित्रों, ये तनाव के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है ओवरथिंकिंग, दूसरा कारण है अनहेल्दी थॉट, अनहेल्दी इमोशन, लेस फिजिकल एक्टिविटी, संबंधों में तनाव, कैरियर की चिंता, नींद की कमी, जरूरत से ज्यादा अपेक्षा और सबसे बड़ा कारण है आध्यात्मिकता का अभाव। तनाव तो सबसे पहले दो चीजों को खराब करता है, एक तो दिमाग को खराब करता है, दूसरा पेट को खराब करता है, और फिर पेट की वजह से स्किन के रोग, फिर लीवर की प्रॉब्लम, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, फिर हेयर फॉल होने लगता है, फिर नींद नहीं आती, अनेकों बीमारियां तनाव की वजह से होती है। इन सभी बीमारियों की माँ है तनाव। इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में तनाव से बचने के अनेक उपाय हैं। आप जानना चाहते हो, करना चाहते हो, तनाव से बाहर आना चाहते हो, तो अगले वीडियो जरूर देखें, अपने मित्रों को शेयर करें। नमस्ते।